मैडम अभी आप देख लीजिए हरियाणा पंजाब और यूपी से कैसे लोग बैरिकेड के तोड़ तोड़ के पहुंच गए हैं, तो ये दिल्ली कोई दूर थोड़ी है हमारे लिए। तो गरीब आदमी को खाना मिल जाता है, अगर खाना प्राइवेट कंपनियों की तिजोरी में बंद हो गया तो फिर गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। स्वागत है आपका मूव मीडिया में और आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह। इस समय हम लोग आ पहुंचे गाजीपुर, जहां पे हम किसान भाइयों से बात करेंगे उनके मुद्दे को लेकर, कल के किसान आंदोलन को लेकर। सर ये गन्ने का मुद्दा क्या है? मैडम गन्ने का मुद्दा ये है, मोदी जी हमारे यहाँ लखीमपुर खीरी में गए थे, वो हमारा चीनी का कटोरा बता के आए थे। अच्छा। और आज की डेट में उन्होंने खाली कटोरा हम लोगों के हाथ में थमा दिया है, उसमें उन्होंने कहा था 14 दिन में पेमेंट मिलेगी। हाँ। लेकिन नवंबर में मिल चली है, अभी 5-10 दिन का पेमेंट मिला है। किसान को अगली फसल बोनी है, अभी महामारी थी उसमें। हाँ। इलाज के लिए पैसा, किसी को कुछ बहुत दिक्कत मैडम हो रही है। यहाँ पे गन्ने का मैटर आगे पीछे लोगों से बात करेंगे कि क्या खाद का मैटर है, क्या है पूरी बात। जी जी, हम जिला लखीमपुर खीरी से हैं। हमारे यूरिया भी ब्लैक ही मिलती है, 266 रुपए का रेट है सरकारी, जो कि हमें 350 रुपए की बिचौलिया बेच रहे हैं, जिसपे कोई उच्च अधिकारी एक्शन लेने को एग्री नहीं है। जी यही दिक्कतें हैं, बाकी गन्ना के पेमेंट की दिक्कत भाई साहब बताई दिए हैं। इतने महीनों से किसान भाई लोग यहाँ बैठे हुए लगातार सरकार से बात करें, आपको क्या लगता है सरकार आप लोग की सुनेगी अब आगे जो पार्लियामेंट का घेरा? नहीं तो नहीं सुनेगी, तो बैठे तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको तो खत्म करके ही जाएंगे, फिर उतार के ही जाएंगे। बिल्कुल उतार के जाएंगे। यहाँ के युवा वर्ग से हम बात करेंगे कि ये बताइए सरकार जो है लगातार, कल के युवा क्या करने वाले हैं? युवा क्या करेंगे? पार्लियामेंट पहले जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ से बात करेंगे, तो वहाँ देखते हैं क्या, फिर आगे डिसीजन कर लेते हैं बाद में। अच्छा। जी यहाँ पे बताइए सर, विस्तार में बताइए कल का प्लान क्या रहेगा? ये हमारे मैडम जैसे कि बताया गया कि 200 आदमी हर जथेबंदी जो है किसान जो है, तो उसमें से 5 आदमी जाएंगे। हाँ। और यहाँ से हमारे जो किसान भाई जिनका भी नाम आएगा तो वो सिंघू बॉर्डर जाएंगे, सिंघू बॉर्डर से बस में पार्लियामेंट जाएगा, जंतर मंतर पहुँचा। हाँ जी, देखिए जिस तरह से जंतर मंतर से आज हम लोगों ने पूरी कवर करी है स्टोरी, वहाँ हमने देखा कि पुलिस जो है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा के बैठी हुई है और कह रही है कि हम अंदर तो आने नहीं देने वाले, तो सर वहाँ पे समस्या का सामना कर सकते हैं किसान? मैडम अभी आप देख लीजिए हरियाणा पंजाब और यूपी से कैसे लोग बैरिकेड के तोड़ तोड़ के पहुँच गए हैं, तो ये दिल्ली कोई दूर थोड़ी है हमारे लिए। बिल्कुल सही है, जिस तरीके से किसान पिछले 8 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार यहाँ पे भीषण गर्मी, धूप, ये सब जो हो रही है, बारिश, ओले, सबका सामना किया। आप यहाँ आसपास देख सकते हैं कि वापस इनके घर वापस लग चुके हैं, और किसान किसी से खाने के लिए नहीं कह रहे, जिससे किसान वाकई ही अन्नदाता है और हमारे लिए लगातार जो खाना आता है इन्हीं के द्वारा आता है। और यहीं पर सर बार बार सरकार जो बोलती है, दूसरे विपक्ष कहती है हम आपके लिए खाना ला रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम खाना कह रहे हम अनाज दे देते हैं यहाँ पे किसानों की सेफ्टी का ध्यान रख रहे। मैडम ये बताइए कि अगर मंडियाँ खत्म हो जाती है और प्राइवेट सेक्टर अगर धान गेहूँ और कोई भी दालें वगैरह अपने पास स्टोर करके बेचता है, तो वो तो अपने मुंह मांगे रेट पे बेचेगा। इस समय हम लोग जैसे कम भी रेट मिलता है तो गरीब आदमी को खाना मिल जाता है, अगर खाना प्राइवेट कंपनियों की तिजोरी में बंद हो गया तो फिर गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जो आज के डेट में जो हमें खाना मिलता है, अगर किसान से उनका हक ही छीन लिया जाए। ये भी है कि किसान जो है दो अलग अलग तरीके की, उसका खुद का खेत है, कुछ दूसरे की जमीन पर खेती करके अपना घर चलाते हैं, वहीं पर उनसे सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी, तो आखिर किसान करेगा कैसे? तो सर ये बताइए जो सरकार का जो दावे है कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, आप लोगों का घर चल जाएगा और फिर हम आपको इतना पैसा भी देंगे, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ तक गलत है? मैडम जो सरकार 6000 रुपये साल का देती है, वो मैडम हम लोगों से प्रति एकड़ कम से कम 15-20 हज़ार रुपया ले के और 6000 रुपया पूरे पे देती है। अच्छा। और कम से कम 20000 रुपया एकड़ का खर्चा सरकार पहले ही प्राइवेट, जैसे मोदी जी बताते हैं MSP है, MSP रहेगी, MSP जो है उसके ऊपर काफ़ी भाषण दिए उन्होंने, लेकिन किसान को MSP मिलती कहाँ है? उनको अभी आप गेहूं अभी पीछे बिका है मैडम, और 1200-1300 रुपये में बिक रहा है, और 1975 रुपये सरकारी रेट है, तो उसका आप आइडिया लगा लीजिए, 700-800 रुपया प्रति क्विंटल किसान को नुकसान हो रहा है। और अगर 20 एकड़ अगर 20 कुंटल अगर फसल निकलती है किसान की कम से कम, तो 8-16 हज़ार रुपया एक एकड़ पे कट गया, और इन्होंने 6000 रुपया दिया, अब देख लीजिए हिसाब लगा लीजिए। इन्होंने
आपको पूरी की पूरी गणित खुद ही बता दी है कि कितना किसान को फायदा है और कितना नुकसान। यहाँ पे फायदा कम किसान को, नुकसान ज्यादा है, और इन्होंने पूरी गणित बहुत ही सही तरीके से कैलकुलेट करके आपको बताई है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है किसानों के साथ सही हो रहा है या गलत। कैमरामैन विनीत के साथ आदित्य सिंह। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।